नमस्कार दोस्तों, खबर यूपी से सोनभद्र की है। एनसीएल खड़िया वीपीआर में आए उड़ीसा से लगभग 60 मजदूर। वीपीआर कंपनी अपने 3 साइट पर बागर से बुलाया इस महामारी में लगभग 100 मजदूर। सोनभद्र शक्तिनगर एनसीएल खड़िया प्रोजेक्ट में कार्यरत ओवरबर्डन कंपनी वीपीआर द्वारा एक तरफ पूरे विश्व भर में महामारी जैसी बीमारी कोरोना बहुत तेजी से अपना पैर पसार रखा है, वहीं दूसरी तरफ वीपीआर कंपनी शासन के आदेश को ताक पर रखकर अपने मनमानी तरीके से कंपनी चलाना चाहता है। उड़ीसा से बुलाया लगभग 100 मजदूर जो कि परिक्षेत्र में लोगों को दे सकता है कोरोना जैसी भयानक बीमारी, वहीं दूसरी तरफ विस्थापितों का लगातार शोषण कर रहा वीपीआर कंपनी। एनआईटी के समझौते के बाद भी विस्थापित व क्षेत्रीय बेरोजगारों को लगभग 80% पहले विस्थापितों को नौकरी देने के प्रावधान है, लेकिन बाद में तथाकथित नेता व लोगों को कोटा के माध्यम से रोजगार नहीं देकर धन उगाही का भी काम किया है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? जिलाधिकारी महोदय, इस वीपीआर कंपनी पर शासन के आदेशों को ताक पर रखकर सारा कार्य कर रहे हैं। नौकरी यहां के युवा बेरोजगार सारा कुछ देने के बाद भी बेरोजगार पड़े हैं। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन मामले को संज्ञान में लेते हुए क्या कोई कार्रवाई करता है या नहीं। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, रोशन शर्मा की खास रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? उड़ीसा से। कहाँ जाना है? बीपीआर। बीपीआर कहाँ? खड़िया। कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा। कहाँ जाना है? बीपीआर। बीपीआर खड़िया। इस बस से आए हैं? कितने लोग आए हैं? हम लोग 3 साइट का। 3 साइट के लोग टोटल। बस में कितने लोग आए हैं? 18 आदमी। 18 आदमी लोग। उड़ीसा। कहाँ जाना है? बीपीआर। कितने लोग हैं टोटल? 18। कितने साइट के लोग आए हैं? 3 साइट के। तो खड़िया के लिए 18 आए हैं टोटल? 18 आदमी आया। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। तो ना आप लोग के पास मास्क है और ना सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं लिए हैं? और बस में ऐसे सब कुछ है? बस में सब है सब। अच्छा, आप लोग का आप लोग का आने के लिए परमिशन है? हाँ, आने के लिए परमिशन है। आने का टाइम से इंचार्ज को बोला था, वो इंचार्ज नहीं, इंचार्ज नहीं, जैसे कि आपको कहीं रास्ते में रोका नहीं गया? नहीं नहीं, रास्ते में नहीं रोका गया।